डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर बीकानेर, स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। आज हम क्लास इंसेक्टा, एंटोमोलॉजी के ब्रांचेस, इंसेक्ट्स के जनरल कैरेक्टर्स और इंसेक्ट्स के क्या इम्पोर्टेंस होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इस ब्रांच में हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं। द डिसिप्लिन कैन इंक्लूड द बायोलॉजी एंड कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट्स एज वेल एज देयर इकोलॉजी एंड इम्पैक्ट ऑन एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन हेल्थ। एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट्स की बायोलॉजी और उसके कंट्रोल के बारे में तथा उनकी इकोलॉजी और एनिमल, प्लांट तथा ह्यूमन हेल्थ पर उनके क्या प्रभाव होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी की कई ब्रांचेस हैं, जैसे इंसेक्ट इकोलॉजी, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, इंसेक्ट पैथोलॉजी, इंसेक्ट फिजियोलॉजी, इंसेक्ट टैक्सोनॉमी, इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी। It also includes medical entomology, economic entomology. अलग अलग branches में insects के अलग अलग बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक broad sense में हम ये कह सकते हैं कि entomology को हम अपने syllabus के अनुसार दो भागों में divide करके पढ़ सकते हैं, जैसे insect मॉर्फोलॉजी और अप्लाइड एंटोमोलॉजी, यानी कि वो पार्ट जिसमें इंसेक्ट्स की मॉर्फोलॉजी या उसकी संरचना के बारे में बताया जाए, एंटोमोलॉजी पार्ट फर्स्ट पेपर इंक्लूड करता है, फर्स्ट पेपर में इंक्लूड होता है, और दूसरा इंसेक्ट जिसमें ऐसे इंसेक्ट जिस जो कि पेस्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाता है, वो अप्लाइड एंटोमोलॉजी का पार्ट बनाता है। इंसेक्ट्स, जैसा कि हम जानते हैं, अभी तक हम पढ़ते आए हैं, एनिमल किंगडम के फाइलम इनवर्टिब्रेट्स में फाइलम आर्थ्रोपोडा उसकी एक क्लास है, क्लास इंसेक्टा। उसमें उसके सारी एनिमल्स इंसेक्ट्स कहलाते हैं। क्लास इंसेक्टा का दूसरा नाम है हेक्सापोडा, यानी कि हेक्सा मींस सिक्स, पोडा मींस लेग्स, यानी थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स अगर उपस्थित हो तो ऐसे एनिमल्स को क्लास इंसेक्टा में रखा जाता है। इंसेक्ट्स ये उत्पत्ति कहाँ से हुई इस नाम की? इंसेक्ट्स और इंसेक्टा फ्रॉम लैटिन इंसेक्टम are hexapod invertebrates and the largest group within the word insect comes from the Latin word insectum meaning with a notched or divided body. Insecta, ये शब्द जो है वो Latin word से आया है, this insectum जिसका अर्थ है with a notched या divided body, यानी कि खंडित शरीर। तो इसलिए ऐसे एनिमल्स जिनका शरीर खंडित है उनको इंसेक्ट्स कहते हैं। इंसेक्ट्स के मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं थ्री बॉडी रीजन्स, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन की उपस्थिति, थ्री पेयर्स जॉइंटेड लेग्स, वन पेयर एंटीनी एंड प्रेजेंस ऑफ वन और टू पेयर्स ऑफ विंग्स। विंग्स जरूरी नहीं है हो, कई बार कुछ इंसेक्ट्स में विंग्स नहीं भी। इंसेक्ट्स ये जो क्लास है ये मोस्ट अबंडेंट एंड डाइवर्स एनिमल क्लास है।
1 मिलियन स्पीसीज अभी तक इसके आइडेंटिफाइड हो गई है और बहुत सारी आइडेंटिफाइड होनी बाकी है। और ये पूरे एनिमल्स में सबसे ज्यादा डाइवर्स क्लास है, यानी कि बहुत अधिक विभिन्नताएं इसमें हमें मिलती है। इंसेक्ट्स अर्थ में हर जगह पाए जाते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह है। ये एयर में मिलते हैं, लैंड में मिलते हैं, सॉइल में मिलते हैं, ये स्वतंत्र जीवन भी व्यतीत करते हैं और पैरासाइट्स के रूप में भी होते हैं। ये पैरासाइट्स प्लांट्स पर भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। ये पानी में भी मिलते हैं और ये ज्यादा अभी तक जितने भी इंसेक्ट्स की पहचान हुई है, स्टडीज हुई है, वो सारे के सारे फ्रेश वाटर है। अभी मैराइन या समुद्री इंसेक्ट्स की कोई स्टडी नहीं हो पाई है। इंसेक्ट्स आर ए क्लास ऑफ लिविंग क्रिएचर्स विद इन द आर्थ्रोपोड्स दैट हैव ए काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ए थ्री पार्ट बॉडी दैट इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, थ्री पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, compound eyes and two antennae. They are among the most diverse group of animals on the planet, including more than 1 million described species and representing more than half of all known living organisms. The number of extant species is estimated at between 6 and 10 million. Ye ek typical insect hai jisme hum iske बॉडी डिवीजन देखते हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन। थोरेक्स में विंग्स दिखाई दे रहे हैं और हेड में आईज हैं, एंटीनी हैं, माउथ पार्ट्स। इसके अलावा थोरेक्स में लेग्स दिखाई दे रही हैं, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हैं, यानी कि कुल 6 टांगे हैं। Insects typically move about by walking, flying, or occasionally swimming. Insects are the only invertebrates to have evolved flight. Insects ऐसे invertebrates हैं जिनमें flight का evolution हुआ है, flight की उत्पत्ति हुई है। Invertebrates में और किसी भी animal में हम फ्लाइट की उत्पत्ति नहीं देखते या कोई भी ऐसा इन्वर्टिब्रेट नहीं देखते जिसमें उड़ने की क्षमता हो। मैनी इंसेक्ट्स स्पेंड एट लीस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ अंडर वाटर विद लार्वा अडेप्टेशंस एंड सम एडल्ट इंसेक्ट्स आर एक्वेटिक एंड हैव अडेप्टेशंस फॉर स्विमिंग। सम स्पीसीज आर कैपेबल ऑफ वॉकिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। इंसेक्ट्स आर मोस्टली सॉलिटरी बट सम Insects are social and live in large, well-organized colonies. Some insects, like earwigs, show maternal care, guarding their eggs and young. Insects can communicate with each other in a variety of ways. So, insects जो हैं, वो walk भी कर सकते हैं, fly करते हैं, कभी-कभी swimming भी करते हैं, और insects जो हैं कुछ इंसेक्ट्स अपनी लाइफ जो है वो अंडर वाटर व्यतीत करते हैं, उनके लार्वी में अडेप्टेशंस हो जाते हैं और उनमें वो स्विमिंग कर सकते हैं। कुछ इंसेक्ट्स की स्पीसीज जो हैं वो वाटर सरफेस पर वॉक करने की कैपेबल होती हैं। इंसेक्ट्स अधिकतर सॉलिटरी होते हैं या एकल जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज बनाकर रहते हैं। ये इन इंसेक्ट्स को सोशल इंसेक्ट्स कहा जाता है। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि ईयरविक्स मैटरनल केयर शो करते हैं, रक्षा, जो कि अपने एग्स और नवजात को गार्ड करते हैं या उनकी देखभाल करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। इंसेक्ट्स कई तरीकों से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। एक्सोस्केलेटन इज ए एक्सटर्नल रिजिड कोटिंग कंपोज्ड बाय काइटिन
used as attachment for mussels, and also it's a protection from the predators. It covers completely the animal and it doesn't. In fact, in the arthropods happens the molt, the elimination of the older coating and the making of a new large one. आर्थ्रोपोड्स में देखते हैं कि बाहर उनके एक बाह्य कंकाल पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। यह इनकी शत्रुओं से रक्षा करता है, एनिमल को यह पूरा ढके रहता है, जिसके कारण से इनकी ग्रोथ या इनमें वृद्धि नहीं होती। लेकिन जब इनमें वृद्धि होती है, वृद्धि का समय आता है, उस समय ये स्केलेटन शरीर से हटने लगता है। इसके हटने की क्रिया मोल्टिंग कहलाती है और इसमें ओल्डर कोटिंग या पुराना एक्सोस्केलेटन हट जाता है और एक नई कोटिंग बनती है। The head contains most of the sensing organs, including the antennae, ocellus, and the mouth parts. Head में sensing organs होते हैं, जिनमें antennae, ocellus यानी कि नेत्रक तथा mouth parts यानी कि मुखांग होते हैं। Thorax is a segment that contains the wings and is composed of three sections. Each segment has one pair of legs. थोरेक्स में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। थोरेक्स तीन सेक्शंस या तीन भागों का या तीन खंडों का बना होता है और प्रत्येक खंड में एक जोड़ी लेग्स उपस्थित होती है। एब्डोमेन इज ए लास्ट सेगमेंट ऑफ द इंसेक्ट विच टिपिकली कंसिस्ट ऑफ 11 टू 12 सेगमेंट्स। एब्डोमेन शरीर का आखिरी भाग है जो कि 11 से 12 खंड। हम अक्सर इंसेक्ट्स के ऐसे करैक्टर्स देख रहे हैं जिनके कारण ये अर्थ पर डोमिनेंट हुए हैं। सबसे पहले एक्सोस्केलेटन, द हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड्स एरिया फॉर मसल अटैचमेंट, प्रोटेक्ट्स मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी एंड डेसिकेशन ऑफ द शरीर में। इनके शरीर में बाहर हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, इसके कारण ये मसल अटैचमेंट के लिए एरिया प्रोवाइड करते हैं, मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, इंटरनल ऑर्गन्स को ये एक्सोस्केलेटन मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है और शरीर को सूखने से या डेसिकेशन से बचाता है। दूसरा, स्मॉल साइज इंसेक्ट्स बहुत छोटे साइज के होते हैं और इसके कारण से इनको बहुत कम फूड की आवश्यकता होती है और ये किसी भी स्थान पर आसानी से छिप सकते हैं। छोटी सी जगह में भी ये अपने आप को छिपा लेते हैं जब इनके ऊपर कोई शत्रु आक्रमण करता है या इनके लिए वातावरण या बाहरी परिस्थितियां अगर इनके लिए एडवर्स हो, उनके लिए अनुकूल नहीं हो, तो ये अपने आप को शेल्टर में छुपा लेते हैं। इस कारण से भी ये अपने आप को बचाए रखते हैं। तीसरा, हेक्सापॉड लोकोमोशन। इनमें तीन जोड़ी टांगों के कारण इनमें गति होती है। फोर्थ, बॉडी डिफ्रेंसिएशन, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन। यह एक फेवरेबल अरेंजमेंट है बॉडी सेगमेंट्स का, की जो ग्रुपिंग है या जो ग्रुप बॉडी सेगमेंट्स का बनता है उसको टैग्मा कहते हैं। सिंगुलर शब्द है टैग्मा। द डिफ्रेंसिएशन ऑफ द बॉडी इंटू डिस्टिंक्ट फंक्शनल रीजन्स और टैग्मा इज कॉल्ड टैग्मोसिस। ये प्रक्रिया टैग्मोसिस कहलाती है। The mobility of head may have facilitated the development of various types of mouth parts. The thorax offers rigid
attachment for legs and yet flexible base for insertion of wings. Function of digestion, excretion, and reproduction have been regulated to usually distensible and flexible abdomen. Fifth, functional wings. The power of flight has greatly increased the chances of survival and dispersal of insects. Functional wings have increased the feeding and breeding range and provided new means of eluding natural enemies. Insects में जो flight की या उड़ने की power है, उड़ने की जो शक्ति है, उसके कारण इनमें survival के chances बढ़ जाते हैं और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। फंक्शनल विंग्स के कारण इनकी फीडिंग भी बढ़ जाती है और इनकी ब्रीडिंग रेंज भी बढ़ जाती है, यानी कि ये जनन के लिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच सकते हैं। इस तरह से ये अपने आप को अपने खतरों से भी बचा पाते हैं। Next, tracheal respiration. Tracheal respiration supplies oxygen directly to each and every cell of the body. In this system, water loss can be greatly reduced because contact with the external environment is only via the spiracles. इनके जो excretory system होता है, वो tracheal system कहलाता है। ट्रेकियल या ट्रेकिया जो है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। ये ऑक्सीजन को सीधे ही वातावरण से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देती है, जिसके कारण से बाहर का एनवायरनमेंट जो है वो सीधे ही कांटेक्ट में आ जाता है। स्पाइरेकल्स के थ्रू सीधे ही कॉन्टैक्ट अंदर की कोशिकाओं के कॉन्टैक्ट में आ जाता है और वाटर लॉस जो है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट, फूड हैबिट्स। इंसेक्ट्स आर नोन फॉर द वैरायटी ऑफ देयर फूड हैबिट्स। मोस्ट ऑफ देम फीड ऑन प्लांट्स। प्लांट फीडर्स में फीड ऑन ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। मैनी स्पीसीज आर कार्निवोरस, प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स एंड सेप्रोफेगस। इंसेक्ट्स जो है उनकी फूड हैबिट्स बहुत अधिक विभिन्नता लिए होती हैं। ज़्यादातर इंसेक्ट्स प्लांट्स पर फीड करते हैं, इनको प्लांट फीडर्स कहते हैं। यह है प्लांट के किसी भी पार्ट को, लगभग प्लांट के सभी पार्ट को ये खा सकते हैं। कई स्पीसीज जो है वो कार्निवोरस भी होती हैं, ये प्रीडेटर्स भी होते हैं, पैरासाइट्स या परजीवी होते हैं, सेप्रोफेगस यानी कि मृतोपजीवी भी होते हैं। Reproductive capacity. The ability of insects to multiply rapidly in any favorable environment is probably a key factor for their success. Insects की जो जनन क्षमता है, multiply होने की जो क्षमता है, वो बहुत तीव्रता से ये multiply करते हैं। उनके लिए बस इनको अपने favorable environment की आवश्यकता होती है। तो यह जो इनकी ability है, यह इन के इनकी सफलता का एक की फैक्टर है, मुख्य कारक है। The reproductive capacity of insects is just incredible and it is promoted by high rate of fecundity and short lifespan. इनकी ये क्षमता, इनकी जनन क्षमता की हाई रेट होने के कारण तथा इनके शॉर्ट लाइफस्पान के कारण होती है। इनका जीवन का जो काल है वो छोटा होता है, लेकिन जनन क्षमता बहुत अधिक होने के कारण ये अपनी स्पीसीज को बनाए रखते हैं। डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। द लार्वल एंड एडल्ट स्टेजेस ऑफ होलोमेटाबोलस इंसेक्ट्स आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, नॉट ओनली इन स्ट्रक्चरल डिटेल but also in requirements of food and habitat, that competition between the parent and offspring for food or shelter is eliminated.
इनमें होलो मेटाबोलस इंसेप्ट्स में लार्वी और एडल्ट स्टेजेस एक दूसरे से इतने अधिक अलग होते हैं कि उनकी उनकी संरचना में तो अंतर होता ही है, साथ ही उनकी आवश्यकताओं में भी विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि उनकी फूड हैबिट्स भी अलग अलग हो सकती है, जिसके कारण से पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में कंपटीशन फूड के लिए या शेल्टर के लिए जो स्पर्धा है वो खत्म हो जाती है। प्यूपा विद ग्रेट रेजिस्टेंस टू एडवर्स कंडीशंस एंड प्रैक्टिकली नो फूड रिक्वायरमेंट इज ऑफ फर्दर एडवांटेज। इसके अलावा इंसेक्ट्स में प्यूपा अवस्था पाई जाती है जो कि एडवर्स कंडीशन या प्रतिकूल परिस्थितियों को आसानी से सहन कर लेती है, यानी कि उनमें ग्रेट रेजिस्टेंस पावर होती है और इस समय इनको किसी फूड की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार जो इनके डेवलपमेंटल करेक्टरिस्टिक्स है ये भी इनके सर्वाइवल के लिए या इनको पृथ्वी पर डोमिनेट करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। नेक्स्ट, क्विक स्पीसिएशन, डाइवर्स इकोलॉजिकल हैबिटेट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो इनको क्विक स्पीसिएशन यानी कि जल्दी से स्पीसीज बनाने इनमें बन जाती है, क्योंकि इनमें इकोलॉजिकल हैबिटेट बहुत अलग अलग है। कुछ भूमि पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं, मतलब इनकी जो हैबिटेट है बहुत अधिक विभिन्नता लिए हुई होती है। इसी तरह इसके कारण से ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली भी आइसोलेट हो जाते हैं और छोटे से मतलब कुछ इनके एक्सटर्नल जेनिटेलिया में स्मॉल माइन्यूट वेरिएशन भी इनके क्विक स्पीसिएशन का कारण बन जाते हैं। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, इंसेक्ट्स हैव डेवलप्ड रिमार्केबल एबिलिटी टू कंजर्व वाटर बाय एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड इन द सॉलिड फॉर्म। इंसेक्ट्स में वाटर कंजर्व करने की रिमार्केबल एबिलिटी पाई जाती है, जिसके कारण इनसे एक्सक्रीट होने वाला यूरिक एसिड सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। दे अंडरगो डायपोज टू अवॉइड अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। इनमें डायपोज अवस्था या सुप्तावस्था पाई जाती है, जिसके कारण से ये प्रतिकूल एनवायरमेंटल कंडीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। दे हैव डेवलप्ड इफेक्टिव मीन्स ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस अगेंस्ट एनिमीज, तथा ये अपने शत्रुओं से बचने के लिए इनमें ऑफेंस और डिफेंस के तरीके भी पाए जाते हैं। डाइवर्स हैबिटेट्स, ये सभी तरह के डाइवर्स विभिन्न प्रकार के हैबिटेट्स में रह सकते हैं। ये पृथ्वी पर पृथ्वी के हर एक हिस्से में हर एक कॉर्नर में पाए जाते हैं। अब हम इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। रोल इन नेचर, इंसेक्ट्स प्ले मेनी इम्पोर्टेंट रोल्स इन नेचर। दे एड बैक्टीरिया, फंजाई एंड अदर ऑर्गेनिज्म इन द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इन सॉइल फॉर्मेशन। The decay of carrion, for example, brought about mainly by bacteria, is accelerated by the maggots of flesh flies and blowflies. जैसे कि हम जानते हैं कि organic matter के decomposition में bacteria, fungi और other organisms जो हैं वो मदद करते हैं। इनके साथ साथ insects भी प्रकृति में एक इम्पॉर्टेंट रोल, एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये बैक्टीरिया के साथ इस काम में मदद करते हैं, जैसे कि फ्लैश फ्लाइज और ब्लो फ्लाइज जो हैं, मैगोट की फ्लैश फ्लाइज और ब्लो फ्लाइज इसमें मदद करती हैं।
activities of these larvae, which distribute and consume bacteria, are followed by those of moths and beetles, which break down hair and feathers. Insects and flowers have evolved together. Many plants depend on insects for pollination. Some insects are predators of others. इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉलिनेशन का काम भी करते हैं, कुछ इंसेक्ट्स प्रीडेटर्स भी होते हैं. कमर्शियल सिग्निफिकेंस, सर्टेन इंसेक्ट्स प्रोवाइड सोर्स ऑफ कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स सच एज हनी, सिल्क, वैक्स, डाइज और पिगमेंट्स. कुछ इंसेक्ट्स कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स का सोर्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं हनी, सिल्क, वैक्स, डाइज, पिगमेंट्स. ये इन्वेस्ट ये हमें इंसेक्ट से प्राप्त होते हैं. ऑल ऑफ विच कैन बी ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स टू ह्यूमंस, जो कि ह्यूमंस के लिए लाभकारी होते हैं. Because they feed on many types of organic matter, insects can cause considerable agriculture damage. Insects pest devour crops of food or timber, either in the field or in storage, and convey infective microorganisms to crops, farm animals, and humans. The technology for combating such pests constitutes the applied science of agriculture and forest entomology. Stored product entomology, medical and veterinary entomology, and urban entomology. इसके अलावा insects जो हैं वो कई agriculture crops को damage करते हैं. जो ये insects pest कहलाते हैं, ये इसके कारण से food, timber या फील्ड की या स्टोरेज क्रॉप्स जो होती है, स्टोरेज ग्रेन्स जो होते हैं, स्टोर्ड ग्रेन्स, उनको नष्ट करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं. इसके इन सब के बारे में अप्लाइड अप्लाइड एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी हो सकती है, फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी हो सकती है, स्टोर प्रोडक्ट एंटोमोलॉजी, मेडिकल एंड वेटनरी एंटोमोलॉजी तथा अर्बन एंटोमोलॉजी. ये सारी इसकी ब्रांचेस हैं जिसमें हम उनके बारे में पढ़ते हैं. डैमेज टू ग्रोइंग क्रॉप्स, इंसेक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेजर काइंड्स ऑफ डैमेज टू ग्रोइंग क्रॉप्स. फर्स्ट इज डायरेक्ट इंजरी डन टू द प्लांट बाय द फीडिंग इंसेक्ट विच ईट्स लीव्स और बरोज इन स्टेम्स, फ्रूट और रूट्स. दे आर हंड्रेड्स ऑफ पेस्ट स्पीसीज ऑफ दिस टाइप, बोथ ऑफ लार्वी एंड एडल्ट्स अमंग Orthopterans, Homopterans, Heteropterans, Coleopterans, Lepidopterans, and Dipterans. The second type is indirect damage, in which the insect itself does little or no harm but transmits a bacterial, viral, or fungal infection into a crop. Examples include the viral disease of sugar beets and potatoes carried from plant to plant by aphids. Growing crops ko insects damage pahunchate hain. ये डैमेज दो तरह के हो सकते हैं. एक तो डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से ही इंजरी करना प्लांट को. ये इंसेक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स की लीव्स को खाते हैं या उनके स्टेम्स को में छेद कर देते हैं या फ्रूट्स और रूट्स में छेद कर देते हैं. इसी तरह से कई तरह की जो पेस्ट स्पीसीज हैं वो उनके लार्वी या उनके एडल्ट क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं. इनमें ऑर्थोप्टेरन, होमोप्टेरन, हिट्रोप्टेरन्स हैं, कोलियोप्टेरन्स हैं, लेपिडोप्टेरन्स या डिप्टेरन्स. इन ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं. तो ये डायरेक्ट डैमेज है क्रॉप्स को, लेकिन कई बार इनडायरेक्ट डैमेज भी करते हैं. ये खुद सीधे नुकसान नहीं पहुँचा के बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई को ट्रांसमिट कर देते हैं किसी क्रॉप्स पर, जिसके कारण से वो क्रॉप्स इनसे इन्फेक्टेड हो जाती हैं. जैसे कि शुगर बीट्स में वायरल डिजीज,
पोटैटोज में वायरल डिजीज, ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एफिड्स द्वारा ट्रांसमिट होते हैं। इसके अलावा मेडिकल सिग्निफिकेंस है इंसेक्ट डैमेज टू ह्यूमंस एंड लाइवस्टॉक आल्सो मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ह्यूमन इंजरी बाय इंसेक्ट stings and bites is of relatively minor importance, although swarms of biting flies and mosquitoes often make life almost intolerable, as do biting midges and salt marsh mosquitoes. Persistent irritation by biting flies can cause deterioration in the health of cattle. Some blowflies, in addition to depositing their eggs in cursicases and invade the tissue of living animals, including humans, a condition known as miasis. Insects जो हैं वो humans या किसी दूसरे जीवित प्राणियों के ऊपर attack कर सकते हैं और उनको damage पहुंचा सकते हैं। Human में इंसेक्ट कई बार इंसेक्ट जो है वो उसके जो स्टिंग्स हैं वो नुकसान करते हैं, मतलब इंसेक्ट जब किसी ह्यूमन पर बाइट करता है या ह्यूमन को या किसी मनुष्य को काटता है तो वैसे तो बहुत कम उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी जहाँ पर भी मॉस्किटोज या फ्लाइज जो हैं वो बाइट करती हैं उनमें वहाँ पर उस जगह एक इरिटेशन सा होने लग जाता है और इस तरह से हेल्थ जो है मतलब ह्यूमन जो है वो उससे इरिटेट हो जाता है। इसी तरह से कई बार ये फ्लाइज या मॉस्किटोज जो है वो कैटल पर को भी नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ ब्लो फ्लाइज जो हैं वो शीप लिविंग एनिमल्स के सॉरी डेड एनिमल्स पर अपने एग्स देती हैं और लिविंग एनिमल्स के टिश्यू के अंदर इन्वेड हो जाती हैं और उनको डैमेज पहुंचाती हैं। इस कंडीशन को माइसिस कहते हैं। एन एग्जांपल ऑफ एन इंसेक्ट दैट कॉजेज दिस कंडीशन इज द स्क्रू वर्म फ्लाई ऑफ साउथर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड सेंट्रल अमेरिका। In many parts of the world, various blowflies infest the fleece and skin of sheep. वर्ल्ड के कई भागों में blowflies की कई blowflies जो हैं वो sheep के fleeces यानी कि उसकी बाहर की जो कोट बाहर की जो hairy कोट है उसको या उसके skin को infest करती हैं। This infestation called sheep strike causes severe economic damage. इसके कारण से उनकी खाल खराब हो जाती है जिसके कारण से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डैमेज होता है। इन ए पॉपुलर सेंस इंसेक्ट यूजली रिफर्स टू फेमिलियर पेस्ट और डिजीज कैरियर सच एज बेड बग्स, हाउस फ्लाइज, क्लोथ स्पॉट्स, जापानीज बीटल्स, एफिड्स, मॉस्किटोज, फ्लीज, horse flies and hornets, or two conspicuous groups such as butterflies, moths and beetles. Many insects, however, are beneficial from a human viewpoint. They pollinate plants, produce useful substances, control pest insects, act as scavengers and serve as food for other animals. Furthermore, insects are valuable objects of study in elucidating many species of biology and ecology. अगर हम insects की बात करें तो insects pests तो हैं, disease carriers हैं, जैसे कि bed bugs हैं, house flies हैं, beetles, aphids हैं, mosquitoes हैं, ये नुकसान तो पहुंचा रहे हैं लेकिन इसके अलावा ये beneficials भी हैं। कुछ फॉर्म्स इंसेक्ट्स की बेनिफिशियल होती हैं, ये प्लांट्स को पॉलिनेट करती हैं, यूजफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं, इसके अलावा ये पेस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करती हैं
जैसे कि क्योंकि कुछ ये इनकी स्पीसीज स्कैवेंजर्स होती हैं जो कि अदर एनिमल स्कैवेंजर्स होती हैं। इसके अलावा ये कुछ दूसरे एनिमल्स के लिए फूड का कार्य भी करते हैं। इसके अलावा इंसेक्ट्स की जो की स्टडी जो है वो बायोलॉजी और इकोलॉजी को एक क्षेत्रों में भी उनको पढ़ने में भी इसकी इसमें मदद होती है। जेनेटिक्स में भी इनकी नॉलेज जो है वो बहुत काम आई है। ज्यादातर जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स फ्रूट फ्लाई पर किए गए हैं और पॉपुलेशन बायोलॉजी की स्टडी जो है वो फ्लोर बीटल पर की गई है। इंसेक्ट्स आर ऑफन यूज्ड इन इन्वेस्टिगेशंस ऑफ हार्मोनल एक्शन, नर्व एंड सेंस ऑर्गन फंक्शन एंड मैनी अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। इंसेक्ट्स को हार्मोनल एक्शन, नर्व और सेंस ऑर्गन फंक्शन तथा दूसरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में भी इनका प्रयोग किया गया है। इंसेक्ट्स आर आल्सो यूज्ड एज एनवायरमेंटल क्वालिटी इंडिकेटर्स टू असेस वाटर क्वालिटी एंड सॉइल कॉन्टामिनेशन एंड आर द बेसिस ऑफ मैनी स्टडीज ऑफ बायोडायवर्सिटी। इंसेक्ट्स को वाटर क्वालिटी को असेस करने के लिए भी काम में लाया जाता है। ये बायो इंडिकेटर्स का काम करते हैं। इसके अलावा सॉइल की कंटामिनेशन को जानने में भी ये हेल्प करते हैं और ये बायोडायवर्सिटी की स्टडीज में भी मदद करते हैं। ये बेसिस हैं कई स्टडीज के लिए, बायोडायवर्सिटी की कई स्टडीज के लिए ये एक आधार का काम करते हैं। इस प्रकार हम इंसेक्ट्स को उनकी मॉर्फोलॉजी के माध्यम से उनके डिफरेंट और भी सिस्टम्स के बारे में उनको पढ़कर, उनके उनको पेस्ट के रूप में पढ़कर हर जगह, क्योंकि वो मिलते हैं तो हर जगह पर भी हम उनकी स्टडी करें, ये हमारे लिए नुकसान तो हमारे लिए कई करते हैं लेकिन साथ में हमें हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट भी हैं। इसलिए हम इसको एक पूरे सब्जेक्ट के रूप में इसकी स्टडी करते हैं और उस सब्जेक्ट को हम एंटमोलॉजी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आप लोगों को एंटमोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया है। थैंक यू।